लाउड स्पीकर पर सम्मानीय कलेक्टर साहब से और सम्मानीय इस विभाग के मंत्री आदरणीय खर्रा साहब से बात की और यही कारण रहा और आपकी ताकत रही कि कुछ देर बाद सब अधिकारी आए। तहसीलदार जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, कुछ देर में आयुक्त महोदय भी आ रही है। मेरा ये मानना है कि जनहित का जो काम रहता है, जो जनता के हित का काम रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सत्ता में बैठे लोगों को करनी चाहिए। मैं कुछ देर पहले जब यहाँ से जा रहा था, क्योंकि मेरी छोटी बहन के एक कार्यक्रम था और बड़े भाई का वहाँ उपस्थित होना जरूरी था, तब मेरे भाई यहाँ के पार्षद किशन जी गुजर को लगा कि नेता वादा करके चले जाते हैं, आते नहीं। मैंने कहा मैं जनहित का काम लेकर जनता के बीच में, जनता के सुख दुख में काम आऊं, इसलिए मैं राजनीति में आया हूं। नहीं तो मैं भी पढ़ा लिखा कहीं नौकरी कर सकता था। और आप सब लोगों का सहयोग आशीर्वाद था कि इस किशनगढ़ जैसी मार्बल नगरी में उस जैसे नौजवान को आपने विधायक बनकर चुना और वो आज का दिन था। और आज का दिन जहां लोग खुशियां मनाते हैं एक साल की, आपका बेटा, आपका भाई, आपका विधायक आपके बीच में आज दिन भर गड़ने के लिए। मैं कई मुद्दों को लेकर इस किशनगढ़ की राजनीति में उतरा था और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे दोनों पार्षद आदरणीय किशन जी और बलराम जी और उनके साथ तमाम लोग जो यहाँ मच्छरों के बीच, यहाँ इस गंदगी के बीच, यहाँ इस कड़कड़ाती ठंड के बीच तीन रातें इन्होंने यहाँ काटी है। तो साथियों, इससे बड़ा राजनीति में कोई समर्पण नहीं हो सकता, इसलिए मैं इन दोनों पार्षदों के साथ तमाम लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने ना केवल प्रशासन की नींद जगाई है बल्कि आपको भी ताकत देने का काम इन्होंने किया है कि जनता के यदि मुद्दे शासन और प्रशासन सुनता नहीं है तो सुनाना जनता को आता है और जनता की ताकत है। जनता ही ताकत देती है, जनता ही ताकत बनाती है। और मैं तो आप सबको, आप भली भांति मुझसे परिचित हो, मैं आपसे भली भांति परिचित हूं। इन चार वार्ड में जो पहले बता रहे थे बड़ाणा साहब की पंचायत हुआ करती थी, जो मंडावरिया आपकी पंचायत में था, वो अभी खिलौनिया पंचायत में है। तो आप और हम में ज्यादा फर्क नहीं है। आपकी जो मांग है वो मैं जानता हूँ। आपने मुझे विधायक निर्वाचित करके जयपुर भेजा, लेकिन जिस पार्टी से भेजा उस पार्टी की सत्ता राजस्थान की सत्ता में नहीं है। लेकिन एक विपक्ष के विधायक की क्या भूमिका होती है, एक विपक्ष के विधायक का क्या दायित्व होता है, वो मैं भली भांति जानता हूँ। जनता के सुख दुख में खड़ा रहे, जनता की बात को सुने, जनता की बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान के हितों की बात करे, चाहे सड़क हो, चाहे सदन हो, आपकी बात को बड़ी बुलंदी से पहुँचाए, वो काम मैं भली भांति कर रहा हूँ। और इस राजस्थान की विधानसभा में जितने भी इस बजट सत्र में प्रश्न लगते हैं, आपके इस नौजवान विधायक ने, आपके इस बेटे, इस भाई ने सबसे ज्यादा जनहित के प्रश्न लगाए हैं। किसी का व्यक्तिगत प्रश्न नहीं लगाए जो पहले लोग लगाते थे। हाँ, हमारी लड़ाई है नशे के खिलाफ। हाँ, हमारी लड़ाई है कि हमारे गरीबों का उन्मूलन होना चाहिए, हमारे जो पिछड़े भाई है, दलित भाई है, वंचित भाई है, शोषित भाई है, उनका कल्याण होना चाहिए। लेकिन ये कल्याण तब संभव है जब कड़ी से कड़ी जुड़े। साथियों, आप जानते हो यहाँ नगर परिषद में बोर्ड और चार बरस इस बोर्ड को हो गए। बोर्ड में कुछ लोग हठधर्मी बैठे हैं जिनको अहंकार आ गया। राजनीति क्षेत्र हो या जनसेवा का क्षेत्र हो या कोई सा भी क्षेत्र हो, जीवन में यदि अहंकार आ जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रावण का भी पतन हुआ और उस अहंकारी आदमी का भी पतन निश्चित होगा। देश आजाद हो रहा है, जोश आ रहा है। पर किशनगढ़ जैसी जगह,
जहाँ बुनियादी जरूरत के लिए हमारे को लड़ना पड़ता है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लड़ना पड़ता है, पानी बिजली के लिए लड़ना पड़ता है, इस धमीर तालाब में जलकुंभी हटाने के लिए हमारे को धरने पे बैठना पड़ता है, तो ये विडंबना है। और ये सरकार को, शासन को, सत्ता को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि आज ये लोग क्यों बैठे हैं, ये हठधर्मिता क्यों है। इस काम को आज नहीं कल करना पड़ेगा। आज मैं तो प्रशासन को, शासन को तब धन्यवाद देता जब सांसर की जनता पहले दिन धरने पे बैठी, उनको सूचना मिलते ही आते और इनकी बात को सुनते। लेकिन देर आए सवेर आए, आना तो उनको पड़ेगा, क्योंकि आपने जनता की ताकत उनको दिखाई है। ये चुना हुआ जनप्रतिनिधि जनता के बीच जब रहेगा, जनता की बात के लिए रहेगा, तो कलेक्टर को भी आना पड़ेगा, एसडीएम को आना पड़ेगा, तहसीलदार को भी आना पड़ेगा, आयुक्त को भी आना पड़ेगा, और सत्ता में बैठे हुए लोगों को भी आना पड़ेगा। और नहीं आएंगे तो समय आ रहा है, जवाब आप दे सकते हो, आपके हाथ में है। जो वोट की ताकत लोकतंत्र में आपको दी गई है, उस वोट की ताकत से बड़ी ताकत इस पूरी धरती पे नहीं है, इसलिए उस वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। हमें एक काम करवाना है, अभी कुछ बात शासन से हमारी सहमति बने, कुछ लोग हम सहमत हो ताकि हमारा ये काम हो। हमें एडागेंसी से, हमें हठधर्मिता से इस काम को बिगाड़ना नहीं है। यही मैं इस जाजन पे बैठे हुए जो मेरे साथी है, जो तीन दिन से बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। अभी बीच में हमारे तहसीलदार जी आए हैं, कुछ हमारे लोग और भी आ रहे हैं जो टेंडर प्रक्रिया कर रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया के बाद कितने दिन में ये काम हो जाए उसकी बात भी कहेंगे। और जो मशीन की बात रही, फिलहाल मैंने अभी शासन के कुछ लोगों से बात कही, तो वर्तमान में हमीर सागर में उस मशीन से ये सफाई होने की स्थिति नहीं है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि बड़ी मशीन, आज किशन जी तीन मशीनें काम कर रही है, यहाँ पीछे दिख रही है तीन, आज तीन मशीन काम कर रही है, तो ये आपकी ताकत है, आपकी एकजुटता है, और आपका काम कराने का ये हठधर्मिता है। ये हठधर्मिता अहंकार, ये हठधर्मिता नहीं है कि हमारा काम होना चाहिए कैसे भी हो। बडेरा कहता क्या बाबो बाड़ा में जानो चाहे चाहे जाटी खोल चाहो चाहे बाढ़ कूद जाओ, हमारा काम होना चाहिए। चाहे वो नई मशीन लाके करे, चाहे LNT से करे, चाहे JCB से करे, लेकिन काम करे और जल्द से जल्द करे, यही हम लोगों की इच्छा है, यही हमारे जो तमाम लोग बैठे हैं उनकी इच्छा है। मैं आप सब लोगों से यही कहता हूँ, और आप लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। आप लोग, माहौल ऐसा हो जाता है कि फलाने राज में आ गया, फलाना राज में आ गया, इसलिए वो काम कराना नहीं देना चाहिए। मैं आप सब लोगों से यही विश्वास दिलाता हूँ कि काम जल्द से जल्द होगा। अभी जो भी शासन प्रशासन के लोग हमारे को बात कहे, उस बात में यदि सहमति नहीं बनती तो मैं आपके साथ हूँ। सहमति बनने के बाद जो लिमिटेशन है, जो समय सीमा है, समय में जो हमारे को इन्होंने पाबंद किया है, उस समय सीमा में यदि काम नहीं करते तो फिर हम यहाँ आके बैठेंगे, फिर वही काम करेंगे, ताकि ये हमारा अमीर सागर फिर से सुंदर अमीर सागर बने। जहाँ लोग, मुझे पता है जब हम गाँव से पढ़ने के लिए जीप में आते थे तो हमारा स्टैंड यही था, हमारा स्टैंड यही था, हम यहाँ बैठते, बड़ा सुंदर यहाँ शिव जी का मंदिर और शानदार ये स्थान था। लेकिन आज ये स्थान पिछले 5-7 साल से बिगड़ा हुआ है, तो इसको सुधारने का काम करेंगे। बड़ी मनसा और बड़ा मन लेके आए, लेकिन राजस्थान में शासन हमारा है नहीं, लेकिन फिर भी विधानसभा में आपकी इस आवाज को गुंजाने का काम मैं करूंगा। इस बार जब भी विधानसभा खुलेगी, पहला पॉइंट और पहला मुद्दा आपकी समीर सागर के तालाब के लिए होगा, ये मैं वादा करता हूँ। मैंने पूर्व में भी समीर सागर गुंदलाव के लिए जवाब मांगा, माननीय मंत्री जी ने हमारे को जवाब भी दिया, उस जवाब को मैंने आपके बीच में रखा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में तहसीलदार जी आए, बड़े एक्टिव हैं लगातार, क्योंकि शासन प्रशासन में बैठे लोगों को जनता के जनहित के कार्य उठाने के लिए हमेशा याद किया जाता है। तो वो लोग यदि हमारे बीच में आके समय पे सुन लें तो हम उनको साधुवाद भी देंगे, और यदि नहीं सुने तो हमारे को हाथ दिखाने भी आती है और काम करवाना भी आता है साथियों। इसलिए मैं तो आपसे ये निवेदन करूँगा कि मैं तो आप जैसे गरीब परिवार से निकला हुआ हूँ,
न मुझे हारा तो तब दुख था, न जीता हूँ तब घमंड है। मैं तो जैसा आपने देखा वैसा ही एमएलए आपके बीच में है। मैं आज साल भर हो गया आपके सुख दुख में हमेशा रहा, आपके सुख दुख में आगे भी रहूंगा, चाहे जीतू चाहे हारू, इसमें मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप सब लोग विश्वास बना के रखे, जनहित की बात को उचित स्थान तक पहुंचाने का काम ये विधायक और ये पार्षद ये तमाम लोग हम लोग मिलके करेंगे, यही वादा मैं आप आपके बीच करता हूं। और अभी तहसीलदार जी आए, मैडम भी आइए, धन्यवाद देता हूँ कि आज तीसरी बार वो आए, तीसरी बार आना बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर उनका भी मन है, क्योंकि वो भी यहाँ किशनगढ़ की बेटी है, हमारे परिवार की सदस्य है, हमारी बहन है, तो वो भी चाहती है हमारा किशनगढ़ साफ सुथरा रहे। और सौभाग्यशाली लोग होते हैं वो जो जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ रहते हैं वहीं अधिकारी रहते हैं, तो इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमारे बीच आई है और हमारी बात को रखेगी। हमारे यहाँ जो तमाम लोग बैठे हैं, एक तीन तीन दिन तक यहाँ धरने पे बैठे हैं, बीमार हैं, मैं आपके साथ हमेशा साथ रहा, आगे भी साथ रहूँगा। और मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात आपके लिए नहीं है, ये बात उन लोगों के लिए है जो विधानसभा चुनाव में मेरे सामने चुनाव लड़े, कि जनहित के मुद्दों में हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये काम होना चाहिए। हार जीत चलती रहती है, मैं भी हारा था आप हारे हो, लेकिन हार को बचाना आपको सीखना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के कामों में राजनीति ना करें, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और हमने मैडम आई है, आप कमेटी के कुछ प्रमुख लोग, चार पांच लोग, सारे लोग तो बोले नहीं, जो जो आपकी बात है वो बात शांति से और अच्छे तरीके से कानून के रहते हुए, कानून का पालन करते हुए आप बात रखें, ये मुझे आप सब लोगों से आशा भी है। कोई फालतू की बात करें ना, कोई फालतू की बात करें ना, धन्यवाद। क्या होता है आप में रखो बात अंदर, तो किशन जी और बलराम जी और आप सब लोग एक बार मैडम से, तहसीलदार जी और बात करके आप सारे लोग एक बार फोन ही करें, ताकि यदि हमारी सहमति बने, किशन जी और बलराम जी और तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं, भाई देखो बीमार भी है, तो बात बन जाए तो मैं बालाजी महाराज से अर्जी लगाता हूँ, आज मंगलवार का दिन है मेरे लिए, मंगलवार को मैं चाहता हूँ उठाए मुझे, तो मुझे लगता है कि आज उसके बीच में सहमति बन जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए आभार व्यक्त करने का। और सभी सांसदवासियों से एक बार जोरदार मैं निवेदन करूँगा, तालियों से स्वागत करें। मेरे आज तीसरी बार हमारे भाइयों से बहन मिलने आई है, तहसीलदार जी भी हमारे बीच बैठे हैं, और भगवान बालाजी से यही कृपा है कि बैठ के इसका हल निकले। और यहाँ हमने कोई राजनीति नहीं की है, सभी हमारे भाई हैं और सभी पार्टियों को हमने साथ रखा है, कोई राजनीति इसमें हमने नहीं की है और आगे भी नहीं करेंगे। एक महीने से मेरे को आना सागर की जलकुंभ भी थी, छोटी छोटी बड़ी मशीन से निकल रही थी। आप एक पर्टिकुलर एरिया में स्टक है और इतनी बड़ी है, तो आप इसको पहले उसमें मशीनों में अलग से हम बकेट लगाएंगे जाली वाली, तो मछुआरे ट्रैप करके लाएंगे और उसको हम निकाल लेंगे। 15 जनों की टीम कीरों की तो अपने यहाँ की है, कल स्पेशली अजमेर नगर निगम के भी 15 मछुआरे जिन्होंने आना सागर को खाली किया वो टीम यहाँ आ रही है, साथ में उसका सुपरवाइजर। 30 जनों की टीम विद 2 सुपरवाइजर यहाँ लगेगी, दोनों टीम को हम अलग अलग लगाएंगे, 3 जगह हमने डिसाइड करी है, ठीक है, टीम निकालेगी, हम एक जगह भी हमने डिसाइड कर ली, वहाँ इकट्ठी करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन लगभग 1.5 से 2 महीने में ये पूरा हम इस मैकेनिज्म से खाली कर देंगे। परचेजिंग एक्चुअली क्या कि एक तो वो मशीन कॉस्टली है, जलकुंभी जैसे अपन ने एक बार निकाल दी, उसके बाद प्रयास करेंगे वापस हो नहीं पाए, और अगर जैसे कभी मान लो नहीं हुई तो 2 करोड़ की मशीन चल पड़ी, मेंटेनेंस उसका हो नहीं पाएगा, वो लगातार चलती रहे, उसमें ऐसा होता है।
फुल अटके अटने के बाद जैसे छोटा मोटा कुछ भी आएगा तो वो हम मैनुअली निकालते रहे मशीन फिर फिर क्या जैसे वहाँ अजमेर में तो क्या इसलिए खरीद रखी है क्योंकि वहाँ तो आना सागर बहुत बड़ा है और बाड़ी नदी में आगे से उसमें आती रहती है तो उनका तो 12 महीने चलता रहता है। अपने एक बार खाली होने के बाद वो मशीन पड़ी रहेगी मशीन भी खराब हो जाएगी। नहीं नहीं दे रहे हैं वो और पुरानी भी उनकी रिपेयरिंग में जरूरी है तो उनका अब हम वेट कर ही नहीं रहे। हम हमारे संसाधनों से निकाल रहे हैं हमारे मैकेनिज्म से। वहाँ पे मैंने बात करी हो जाएगी तो उस टाइम नहीं वहाँ जो एक्चुअली किया कि जिस टीम ने आना सागर को खाली करवाया वही टीम यहाँ पे हमको असिस्ट करने आई थी। वहाँ पे वहाँ के जो इरिगेशन के ऐसी हैं वो वहाँ लगे हुए तो उन्होंने कहा हमारे भी ये डिविडिंग मशीन से साफ नहीं हुई। वही लोकल मछुआरों की टीम लगी और वो ट्रैप कर करके लाए और हम उसको निकालते गए। सेम यही मैकेनिज्म हमारे यहाँ पे वाना सागर तो बहुत बड़ी अपने यहाँ तो ये छोटा ही पैक्ड एरिया है तो निकाल लेंगे इसको। मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि सीवरेज का पानी गंदा पानी आ रहा है ना उसके लिए भी सीवरेज के लिए ये प्लानिंग है कि जैसे ही अमृत फेज 2 का काम पूरा होता है तो सारे हाउस होल्ड कनेक्शन हो जाएंगे उसके बाद में केवल स्ट्रॉन्ग वाटर ही इसके अंदर आएगा। इसमें ये अमृत कुंभ में ले रहे हैं क्या इसमें जो ये चीज को उसको संरक्षित करने के लिए ले जाएगा उसका क्या जवाब प्रस्ताव बना के डीपीआर अभी तैयार वैसे 24/7 को दे दिया था उन्होंने नहीं अभी बनी नहीं फाइनल नहीं हुई पर हाँ ये है कि जब सीवरेज के पूरे कनेक्शन हो जाएंगे ठीक है तो ये जो जलकुंभी होती है इसीलिए क्योंकि वो गंदा पानी से उसको खाना मिलता है जब गंदे पानी आना ही बंद हो जाएगा तब मेरे हिसाब से ग्रो भी नहीं होगी। मोस्ट प्रोबेबली अगले साल तक सारे कनेक्शन हो जाएंगे उधर केवल अच्छा है बट डिमांड की है मशीन ही आ रही है इनकी इच्छा अगर अपने तो ये है कि खाली खाली होने से अब वो कैसे खाली समझ अगर मशीन नहीं आ पाती तो हमारे पास जो आप ऑप्शन बता रहे हो वो है उसका टाइम पीरियड आप बता रहे हो नहीं मैं समझ रहा हूँ आपने ऑप्शन बता दिया काम करवाने से मतलब है काम होना चाहिए बस वही है काम होना चाहिए ये लोग इस बात से आश्वस्त हो जाएं जब नगर परिषद कर रही है कि 2 महीने में खाली हो जाएगा हमारे पास इसका मैकेनिज्म है। आना सागर जितनी बड़ी झील को जिन्होंने साफ किया है वो यहाँ आ रही है टीम कीचड़ आ गया बस वो चल ही नहीं पाएगी आपकी मशीन नहीं चल पाएगी वही अपना रहे तो बस जब वहाँ साफ हो गया यहाँ क्यों नहीं होगा। मैडम मैं समझ रहा हूँ पर मतलब आप लोगों का पूर्णतः आश्वासन ऐसा रहे नहीं मेरा तो धरातल पर भी रहे कि 1.5 महीने में हो जाए एलएनटी ये दो रास्ता खुला आपके पास टेंडर में दो एलएनटी और 2 LNT में उनके बकेट भी हम स्पेशलाइज करेंगे कि वो उसको जाली वाले बकेट को खींच लेंगे। एक बार एमएलए साहब निकली थी उससे मशीन से नहीं वो उस समय पानी था अब वो कीचड़ हो गया पूरा मशीन चल ही नहीं पाएगी उसमें चप्पू रहते हैं वो नीचे फ्लोट करते हैं। कमिश्नर थी उस टाइम पे तो बजट सत्र में आप मांग कर रहे हैं कि तो मशीन को यहाँ भी नहीं चल पाएगी मशीन भी हल्का उतर पता नहीं जगह जगह है बड़ी चाहिए तो भाई जान मैडम कह रही है 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर खाली कर साहब धन्यवाद बाकी सुनता तो 2 दिन पहले आ जाता वो बाद में पहले भी है ना आया नहीं मैं सर देखो मैं देखो अपना काम की बात लेकिन मेरा एक ही निवेदन है आपसे आप जब आए थे मशीन आएगी तो ही हम बस यही निवेदन है बाकी तो हम बैठे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारी ताकत बढ़ी वर्तमान लिए बाकी हम बैठे हैं वर्तमान समय में सुनो अपने को वर्तमान में वर्तमान में अपने झील में कीचड़ ज्यादा है मशीन जब तक एक बार की सफाई नहीं होगी तब तक वो सब चीज नहीं पहले टेंट थे लगाए अब कमल का
क्यों जी साफ होना चाहिए तो काम होने से उद्देश्य जो है वो ये है कि भाई वो मैंने मैडम इनको कहा अभी मैंने कहा भाई अपना बाबू वाड़ा में जाऊँ चाहे बाढ़ कूद जाऊँ अपना काम होना चाहिए वही बात आपने कही वो बात आपने कही तो अपना काम होना चाहिए हो जाएगा और परिवार के सदस्य है देखो आपका जनप्रतिनिधि क्या हो यार मशीन दो किशन जी किशन जी खर्चा तो इसमें भी हो रहा है आप ये तो है ना कि ये कोई फ्री में लग रही है खर्चा तो इसमें भी लग रहा है इसमें भी होगा हाँ जी सर वो वाला अपना तो काम होना चाहिए भाई एक बार 5 फरवरी तक हो जाएगा लगभग 5 फरवरी तो 6 फरवरी 5 फरवरी हो जाएगी अरे गाँव में का जनप्रतिनिधि थे मतलब हो गया दो महीना दो महीना दो महीना में 3 महीने हो गया नहीं दो महीने दिसंबर दिसंबर सुनो तो सही बात सुनो तो सही 2 महीने 2 महीना वो तो 15-20 दिन में महीना भर में दिख जाए चालू नजर आ जाए अच्छा बैठ जाओ वहाँ चालू नजर मिया हम थोड़ी देर पैसे नहीं मैं धन्यवाद दे आपने लेकिन मैडम या तो एक काम करो आप मन रिटर्न में दे दो दोनों जाने लिखित में दे दो जो मन बिठाया ग्रामवासी तो मैं तो निर्दलीय आया हूँ मार तो ताकत थी टिकट ही मन कांग्रेस के जाऊँ बीजेपी जाऊँ आज मैं तो खड़ो हूँ पाँच या कि नहीं जाऊँ मन तो झूठ भी कर मशीन हो तो भाई किसी ने ढूंढ जाएगी नहीं पट जाएगी बस तो बाहर भी मारो मैं पूछे आश्वासन दे दे तो ठीक है कहीं 2 महीना नहीं है टेंट तंबू सुनो मैडम जी मारे जेबू रिपे नहीं लाग रही है सब गांव वाला दे रही है सुबह लेकर शाम तक टेंट फैन जो सामान मेरे पास नहीं है आप अनावश्यक चीज की बात करोगे ना तो वो तो एक अलग बात होगी ठीक है अपना मुद्दा क्या है जलकुंभी अखाड़ा अब आप कह रहे हो कि मशीन लेके आओ जब टेक्निकल टीम ये कह रही है कि इसमें मशीन चली नहीं पाएगी आप टेक्निकल हो मैं समझ रहा हूँ सर लेने वाले गाँव वाले जिन्होंने मेरे को यहाँ बिठाया ना गाँव वालों से बात करने की मांग है अरे आपको गाँव वाले बता रहे हैं वही कह रहे हैं टेक्निकल है नहीं है ना टेक्निकल टीम खुद बता रही है इसके लिए ये चीज नहीं हो पाएगा अन्ना सागर जी के अंदर दो मैकेनिज्म बनाया गया है जिसके अंदर पूरी अन्ना सागर को खाली किया है जलकुंभी से वही मैकेनिज्म बना रहे हैं यहाँ पर साहब एक मिनट सुनो साइड मार एक बार पांच जना मार के बात कर ले एक बार पास बात हो गई।